Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and in this video we are going to discuss about the quantum mechanical explanation of alpha decay. In the previous videos we have discussed about the classical theory, and we come across a paradox, and that paradox cannot be resolved by using the classical mechanics concept. So today we are going to discuss about the quantum mechanical explanation of alpha decay, which resolve the problem of paradox. So our topic is the quantum mechanical explanation of alpha decay. ठीक है, तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी ऑफ अल्फा डीके को. क्लासिकली हमने क्या देखा, हमारे पास एक पैराडॉक्स आया था. क्या आया हमारे पास, पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या था कि एक तरफ तो हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, क्या था, एक हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी कितनी थी, 9 MeV थी. ठीक है, वो क्या नहीं कर पा रहा था, एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था. ठीक है, जबकि दूसरी तरफ क्या था, एक लो एनर्जी अल्फा पार्टिकल. दूसरी तरफ क्या था, लो एनर्जी अल्फा पार्टिकल, और उसकी एनर्जी नियरली कितनी थी, 4.2 MeV. तो ये देखा जा रहा था कि ये पार्टिकल का क्या हुआ था, एमिशन हुआ था किससे, यूरेनियम 238 से. इसका मतलब कम एनर्जी का अल्फा पार्टिकल तो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पा रहा था, लेकिन हाई एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो क्या कर दिया था, गया था स्कैटर कर दिया गया था. इसका मतलब ये तो क्या हो गया था, पैराडॉक्स, की ज्यादा एनर्जी वाला क्रॉस नहीं कर पा रहा, कम एनर्जी वाला उस चीज को कर पा रहा है. तो यही चीज क्या थी, पैराडॉक्स थी, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. ठीक है, तो अब हम उसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे किससे, क्वांटम मैकेनिक्स से. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स देखो, सबसे पहली बात, ये जो पैराडॉक्स था ये रिजोल्व किया गया तीन साइंटिस्ट ने, कौन कौन से, एक था गैमाओ, ठीक है, दूसरा आपका गार्ने, और एक तीसरे थे कॉन्डॉन. ठीक है, इन्होंने 1928 में, ठीक है, किसमें, 1928 में जो पैराडॉक्स की जो प्रॉब्लम थी उसको रिजोल्व किया, कैसे, बाय क्वांटम मैकेनिक्स. किसकी हेल्प से किया इन्होंने, क्वांटम मैकेनिक्स. देखो एक चीज आपको पता है, क्लासिकल जो मैकेनिक्स होती है वो हमेशा चीजों को सर्टेनिटी, मतलब बिल्कुल सर्टेनिटी पे काम करती है, निश्चित चीजों पे काम करती है ना, वो ये नहीं कहती कि पॉसिबिलिटी, संभावना की बात नहीं करती, वो किसकी बात करती है, सर्टेनिटी की बात करती है, निश्चितता की बात करती है. जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब आते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की. प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो, संभावना. ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है क्लासिकल में और क्वांटम में. क्लासिकल मैकेनिक्स जहां चीजों की सर्टेनिटीज की बात करती है, दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स किसकी बात करती है, आपकी प्रोबेबिलिटी की बात करती है. ठीक है, तो जो क्वांटम मैकेनिकली जो है इस चीज को, पैराडॉक्स को क्यों एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स सर्टेनिटी पे बात नहीं करती, क्वांटम मैकेनिक्स किस पे बात करती है, आपकी प्रोबेबिलिटी पे बात करती है. तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम डील करते हैं किसी भी चीज को, तो हम क्या किससे क्या यूज करते हैं, एक वेव फंक्शन यूज करते हैं. ये तो आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो प्रीवियस सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना. तो हम क्या लेते हैं, वहां पे एक वेव फंक्शन लेते हैं, वेव फंक्शन की हेल्प लेते हैं किसके लिए, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी. अगर हमें किसी भी पार्टिकल की, जैसे यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल, तो हमें पार्टिकल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, वेव फंक्शन की हेल्प लेते हैं, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में. ठीक है, तो वो जो वेव फंक्शन है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि जो अल्फा पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, चाहे हो फाइन, छोटी सी हो लेकिन फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है किसकी, कि जो अल्फा पार्टिकल है, लीकेज होता है अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल उस पोटेंशियल बैरियर्स पे लीक कर जाए. ठीक है, और इसी इफेक्ट को क्या नाम देते हैं हम, टनलिंग इफेक्ट, या फिर दूसरा क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे काम करती है. ये कहती है कि चाहे फाइनाइट हो लेकिन स्मॉल प्रोबेबिलिटी होती है कि अल्फा पार्टिकल उस पोटेंशियल बैरियर से क्या कर जाए, लीक कर जाए. ठीक है, ये सर्टेनिटी पे काम नहीं करती, किस पे काम करती है, प्रोबेबिलिटी पे काम करती है. ठीक है, तो यही क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है किसकी, अल्फा डीके की. तो अगर हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बीएससी की जो बुक है वो आठ चांद वाली, उसमें कुछ ज्यादा ही लेंथी पोर्शन दे रखा है, तो आप इसके नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर कर लें. ठीक है, तो वो बेटर रहेगा. ठीक है, तो क्या है कि द पैराडॉक्स वॉज
रिजोल्ड बाय किसने, किन्होंने रिजोल्व किया इसने इसको, गमाओ गार्ने एंड कॉन्डोन, ठीक है, इन्होंने क्या किया इसको रिजोल्व किया किसमें, इन 1928, किसमें 1928 में, कब, when the problem of potential barrier, ठीक है, जो किसमें इन्वॉल्व था, सच एज दैट इन्वॉल्व इन, जो किसमें इन्वॉल्व था हमने, स्कैटरिंग और एमिशन, ठीक है, दैट इन्वॉल्व इन अल्फा एमिशन, अल्फा पार्टिकल के एमिशन में और अल्फा स्कैटरिंग, और अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है। तो इसको कैसे हमने सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया, वो एनालाइज किया गया किससे, बाय द मेथड ऑफ, वाज एनालाइज्ड कैसे, बाय मेथड ऑफ, कौन से मेथड से, वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ वेव मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स किससे डील करती है, क्लासिकल मैकेनिक्स सर्टेनिटी से डील करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स किससे, प्रोबेबिलिटी से। तो ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स, आपको पता है क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है बीएससी में, है ना, किससे करती है, डील्स विद सर्टेनिटीज, है ना, डील्स विद सर्टेनिटीज, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड, वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स किससे डील करती है, डील्स विद प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। और जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक वेव फंक्शन की। प्रोबेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक वेव फंक्शन साई चाहिए होता है, है ना। लिखेंगे वेव फंक्शन इज यूज्ड टू किसके लिए, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी किसके लिए ऑफ फाइंडिंग, किसकी, यहां पे किसकी बात करें, पार्टिकल का मतलब फाइंडिंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है, किसमें, इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम हमेशा, अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या, उसके साथ क्या लेना पड़ता है, कोई भी एक वेव फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। अभी कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो वेव फंक्शन होता है, देखो हमने कल कैसे बनाया था पोटेंशियल बैरियर, अगर मैं यहां बनाऊं, हमारी प्रीवियस वीडियो में कुछ कैसे था, ठीक है, कि यहाँ ये तो आपका क्या था, अट्रैक्टिव स्क्वेयर वेल पोटेंशियल था, है ना, माइनस वी नोट, ये ओ से, और ये क्या थी आपकी, इधर रेडियस आर चलती है, ठीक है, ये कैपिटल डिस्टेंस आर थी यहां तक की, फिर यहां पे आपका क्या था, यूं करके और कुछ ऐसे था, ऐसा ही था ना, ये कैसा था, ये कूलाम पोटेंशियल बैरियर था, ये क्या था आपका, कूलाम पोटेंशियल बैरियर था, और ये क्या था, अट्रैक्टिव स्क्वेयर वेल पोटेंशियल, कल वाली फिगर है ये तो, है ना, स्क्वेयर वेल पोटेंशियल था हमारा, ठीक है, ऐसा ही था। तो देखो क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो आपका वेव फंक्शन होता है ना, ये वी आर है, पोटेंशियल है, ठीक है, अगर हम वेव फंक्शन को ड्रॉ करें तो कहता है वेव फंक्शन जो होता है वो ओसिलेटरी होता है, ठीक है, ओसिलेटरी होता है, कब तक, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर तक, और ये मान लो कोई डिस्टेंस है आर वन, तो कहते हैं यहां तक तो वो क्या होता है आपका, हाईली अटेनुएटेड होता है, ठीक है, थ्रू द पोटेंशियल बैरियर, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये कहां से, इस आर वन से आगे जाता है, उसके बाद भी अगेन होता तो ओसिलेटरी है पोटेंशियल बैरियर के बाहर, यहां तक पोटेंशियल बैरियर है, इस पोटेंशियल बैरियर के बाहर क्या होता है, होता तो ओसिलेटरी ही है, लेकिन इसके जो आप क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन आउटसाइड द बैरियर इज स्मॉल एंड फाइनाइट, होता तो ये ओसिलेटरी है लेकिन ये क्या हो जाता है, बहुत ही कम होता चला जाता है और लास्ट में डंप हो जाता है, ठीक है। तो यही, ये क्या है, लीकिंग प्रोसेस है, यहां तक तो क्या था, हाईली अटेनुएटेड था इसका, लेकिन इसके बाद क्या हुई, जस्ट ये लीकिंग हो रही है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं, यही चीज थी कि एक कम एनर्जी का अल्फा पार्टिकल भी क्या कर पा रहा था, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पा रहा था, वो किसकी वजह से, ड्यू टू द लीकेज इफेक्ट, और इसी लीकेज इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टनल इफेक्ट या फिर क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग बोलते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या है, लीकिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम लिखेंगे, क्या, द वेव फंक्शन इज ओसिलेटरी, द वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन होता है वो क्या है, वो ओसिलेटरी है, ठीक है,
ऑसिलेटरी मोशन तो मैंने आपको पढ़ाई थी सेकेंड ईयर में ही, ठीक है। तो ये क्या होती है, वेव फंक्शन जो है वो आपका क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है, किसके इनसाइड द पोटेंशियल बैरियर, इनसाइड द पोटेंशियल वेल बोल सकते हो या पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, और न्यूक्लियस तक, और न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इज हाइयरली क्या होता है आपका अटेनुएटेड, ठीक है, एंड इज हाइयरली अटेनुएटेड, ठीक है, थ्रू द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, थ्रू द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, एंड फिर क्या हो जाता है, इज अगेन ऑसिलेटरी, फिर भी क्या है, ऑसिलेटरी ही है, कहां, आउटसाइड द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर के आउटसाइड भी क्या है, वो ऑसिलेटरी है, लेकिन अब क्या हो गया उसका एम्पलीट्यूड, किसका, वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, कहां पे, आउटसाइड द बैरियर, ठीक है, तो लिखेंगे ऑल्दो द एम्पलीट्यूड, ठीक है, द एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड, ऑफ द वेव फंक्शन कहां, आउटसाइड द बैरियर इज स्मॉल, वो क्या है, स्मॉल है, लेकिन क्या है, फाइनाइट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है लीकिंग ऑफ द पार्टिकल थ्रू द पोटेंशियल बैरियर, जब कब, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी उस हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है, तब भी क्या है, पॉसिबिलिटी है लीकेज की, ठीक है, तो ये चीज मेन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, क्या है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, किसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, ऑफ लीकिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कहां से, थ्रू द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, थ्रू द पोटेंशियल बैरियर, कब, इवन विद, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेस है, ठीक है, इवन विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन किससे, द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसी फिनोमिना की ये लीकिंग जो प्रोसेस होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट या क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, तो दिस फिनोमिना किसका, इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, टनल इफेक्ट या फिर और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग बोलते हैं या टनल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो यही चीज है, जिस चीज को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्लासिकल में जहां पैराडॉक्स आ गया था कि एक कम एनर्जी का अल्फा पार्टिकल तो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पा रहा था, लेकिन एक हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्लासिकल उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, उसको पैराडॉक्स का नाम दे दिया, फिर हम किस पे आए, क्वांटम मैकेनिक्स पे आए, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक डिफरेंस यही है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जहां सर्टेनिटी की बात करती है, क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी की बात करती है, संभावना की बात करती है, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने कहता है कि एक वेव फंक्शन एसोसिएट होता है, जब भी हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं उसके साथ एक वेव फंक्शन, तो कहता है कि पोटेंशियल बैरियर के इनसाइड तो उसका वेव फंक्शन हाईली अटेनुएटेड होता है, लेकिन पोटेंशियल बैरियर के बाहर वो क्या होता है, लेस अटेनुएटेड, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, लेकिन वहां पे लीकिंग की प्रोसेस तो होती है, वो जो लीकिंग प्रोसेस है उसी की वजह से क्या कहते हैं कि कम एनर्जी का अल्फा पार्टिकल भी उस हाई पोटेंशियल बैरियर की हाइट की जो पोटेंशियल बैरियर है उस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी से क्या है बहुत ही कम है, देखो जैसे अगर हम बात करें ये हाइट है पोटेंशियल बैरियर की और अगर हम अल्फा पार्टिकल की एनर्जी की बात करें वो तो सिर्फ 4 MeV है तो वो क्या कर पा रहा है लीकेज की वजह से क्रॉस कर पा रहा है तो इस फिनोमिना को क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है टनलिंग इफेक्ट और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ठीक है तो ये था आपका क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन किसका अल्फा डीके का